नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराएंगे। दोस्तों यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पृथ्वी का आंतरिक घनत्व कितना होता है, यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो पृथ्वी का जो आंतरिक औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसे जो 3 भागों में विभाजित किया गया, मान लो ये जो है पृथ्वी का केंद्र है। तो ये जो पहला भाग है इसे कहते हैं भूपर्पटी, और दूसरा जो भाग है इसे कहते हैं मेंटल, और तीसरा भाग है इसे कहते हैं क्रोट। तो इसे हम सियाल कहते हैं, और इसे सीमा भी कहते हैं, और इसे निफे। तो 1, 2, 3 यानी कि 3 भागों में विभाजित किया गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। पृथ्वी की सबसे ऊपर परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी या सियाल कहते हैं। सियाल दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिका और याल से एल से मतलब एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है भूपर्पटी में, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की दूसरी परत को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी की दूसरी परत है मेंटल, और इसे सीमा भी कहते हैं। तो सीमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका और मा से मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, इसलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अंतिम परत कौन सी है? तो पृथ्वी की जो अंतिम परत को निफे या क्रोड कहा जाता है। अब दोस्तों निफे क्यों कहते हैं? क्योंकि निफे निकेल या फेरस यानी कि निकेल और लोहे की अधिकता होती है क्रोड में। क्रोड जो कि अंतिम होता है पृथ्वी का, जो पृथ्वी के केंद्र तक जाता है, जिसके कारण इसका घनत्व अधिक है। यहाँ पर जो है कठोर धातु से बनी है, और इसलिए इसका घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। निफे की रचना कैसे हुई है? तो निफे की जो रचना हुई है वो है, निफे की रचना हुई निकिल और लोहे से मिलकर हुई है, क्योंकि निफे निकिल और फेरस यानी कि फेरस को लोहा, और निकिल और लोहे से मिलकर हुई है। प्रश्न नंबर 7 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बाह्य क्रोड किस अवस्था में पाया जाता है? तो बाह्य क्रोड जो होता है, जो अपना अंतिम क्रोड होता है जैसे क्रोड, तो उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे ये है, ये पृथ्वी का केंद्र है, तो ये जो है अपना इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। तो ऊपर को कहते हैं बाह्य क्रोड और नीचे वाले को कहते हैं आंतरिक क्रोड, ये निफे का भाग होता है। तो ये जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी के क्रोड का विस्तार कितना है? देखिए पृथ्वी के क्रोड का जो विस्तार है वो 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक, अर्थात पृथ्वी के केंद्र तक होता है। अब देखिए बाह्य क्रोड से आप क्या समझते हैं? देखिए बाह्य क्रोड का विस्तार 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक की गहराई के बीच है। इस मंडल में भूकंपीय एस तरंग लहरें जो हैं प्रविष्ट नहीं हो पाती हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया? तो वो ज्ञात किया था न्यूटन ने। न्यूटन ने सर्वप्रथम पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया था। अब देखिए सीमा की परत की मोटाई कितनी है? सीमा की परत की मोटाई है 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। अब देखिए ये हमारी है पृथ्वी, ये पहली परत हो गई सियाल, और दूसरी हो गई सीमा, और तीसरी हो गई निफे। तो इसकी जो इस परत की पहले की मोटाई है वो है 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर गहराई तक। दूसरी शुरू होती है मेंटल वाली, तो इसकी जो है 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। और तीसरी जो शुरू होती है पृथ्वी के केंद्र तक, उसकी मोटाई है गहराई है 2900 से 6371 किलोमीटर तक। तो दोस्तों ये थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इन्हीं प्रश्नों से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।